आरसीबी को उसके ही घर पर राउंड कर चेन्नई सुपर किंग टीम ने पॉइंट टेबल में लगाई ही लंबी छलांग। हुआ है बड़ा फेरबदल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इसके स्पोर्ट के करो नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग टीम की इस जीत से हैं खुश, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों आईपीएल से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज की पूरी अपडेट। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हरा दिया। फाडो प्लेसिस की कप्तानी वाली आरसीबी को अपने घरेलू मैदान पर 8 रनों से हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आरसीबी के सामने जीत के लिए 227 रनों का लक्ष्य था, लेकिन फाडो प्लेसिस की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर महज 218 रन ही बना सके। दोस्तों, आरसीबी के लिए कप्तान फाडो प्लेसिस के अलावा ग्लेन मैक्सवेल ने ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन टीम को जीत की दहलीज तक नहीं पहुंचा सके। बहरहाल, इस जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग टीम पॉइंट टेबल पर तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। अब चेन्नई सुपर किंग टीम के 5 मैचों में 6 पॉइंट हैं। महेंद्र सिंह धोनी की टीम 3 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 2 मैचों में से हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स की टीम पॉइंट टेबल पर टॉप पर काबिज है, और राजस्थान के 5 मैचों में 8 पॉइंट्स हैं। वहीं केएल राहुल के अनुगाई वाली लखनऊ सुपर जॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर है। वहीं दोस्तों, लखनऊ सुपर जॉइंट्स के अलावा चेन्नई सुपर किंग टीम, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस 6-6 पॉइंट हासिल किए। हालांकि गुजरात टाइटंस पॉइंट टेबल पर 4th नंबर पर है, पंजाब किंग्स पॉइंट टेबल पर 5वें नंबर पर है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद क्रमशः 6, 7, 8 तथा 9वें नंबर पर काबिज है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को पहली जीत का इंतजार है। अब तक दिल्ली कैपिटल्स को लगातार 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतनी जानकारी। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों आईपीएल से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।